हेलो एवरीवन, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है रश्मि शर्मा का बर्थडे, तो बस आज हम यही दिखाने वाले हैं आपको पूरा दिन बर्थडे में क्या क्या होने वाला है। और बर्थडे गर्ल बीमार हो चुकी है, तो बस देखते हैं फिर कि बीमार बीमार भी वो कैसे रेडी होती, क्योंकि रेडी तो होना ही पड़ेगा ना। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये यहाँ पे बड़ा पोटैटो नकल उतार रहा है मेरी, तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। सी फुल जूम करके आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओह राक्षस, इनको भी देखिए, झूम बराबर झूम किया है। ये देखिए, ये वही प्राणी है जो अपने घर से चिड़िया की तरह आती हैं और चिड़िया की तरह यहाँ से चली जाती हैं। तो बस आपको दिखाती जाऊँगी मैं कि आज पूरे दिन में हम क्या करने वाले हैं। अभी तक तो सब सोए पड़े हैं, तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। ये क्या किया आपने अपने बालों को? ये काकट दिया है? अरे ये काकट दिया है, सारे टॉयज गिरा दिए, अप्पू गिर गए। बताओ क्या करे हैं? और छिपकी का छिपकी का छिपकिया और चले गया। एते शाम करम पात्रे तु समागतः गंगेश चेव यमुनेश चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिनम सन्निधिं कुरु विष्णु बादाब्ज संभूते गंगे त्रिपद गामिनी धर्म द्रवीति विख्याते। तो गाइस, केक कटिंग हो चुकी है और अब वो टाइम आ चुका है कि रश्मि शर्मा को कुछ गिफ्ट्स दे दिए जाएं, लेकिन गिफ्ट्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो रश्मि शर्मा को जिनका बर्थडे है उनको ठीक आ रही ये देखिए, ये सब डलेगा, ठीक आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ। तो रश्मि शर्मा को अपने गिफ्ट्स खुद ढूंढने पड़ेंगे, और जितने गिफ्ट्स रश्मि शर्मा ढूंढ लेंगी वो उनको मिलेंगे और बाकी नहीं मिलेंगे। तो ये इनके लक पर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने बना दी हैं चिट्स, वैसे मैंने बहुत ईजी बनाई हैं, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आ रहा था, तो सिंपल इसमें मैंने लिख दिया है। तो देखते हैं रश्मि शर्मा को मिलता है कि नहीं। तो रश्मि शर्मा, आर यू एक्साइटेड? नॉट रियली। ओके, बीमार इंसान ने पहली चिट उठा ली है और उस पे क्या लिखा है यहाँ बताइए। चोको मिनीस, ये है मेरा गिफ्ट। ये एड्रेस है तो आप तूने बताया नहीं चोको मिनीस, लोगों को दिखा दीजिए ना कि क्या आया है। चोको मिनीस, और मुझे पता है इस घर में चोको मिनीस है, लेकिन कहाँ है ये इस लड़की ने मुझे कभी नहीं बताया। बट लेट ओके, सो रश्मि शर्मा ने फर्स्ट गिफ्ट ढूंढ लिया है। ये इनकी अनबॉक्सिंग हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, अभी बस यहाँ पे इकट्ठा करते जाते हैं। रश्मि शर्मा नेक्स्ट। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहना, हमेशा लड़ते रहना, एंजॉय योर गिफ्ट फ्रॉम मिस आई एम मिस चार्मिंग। ओके, सो ये मैंने गिफ्ट लाया था, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट। ओके, तो क्या आया है ऑडियंस को भी दिखा दीजिए। एंजल, तो देखिए फिर इस रूम में एंजल कहाँ है, वहाँ आपको आपको आपका नेक्स्ट गिफ्ट मिलेगा, फाइंड आउट करिए। रश्मि शर्मा को कुछ मिला है? ये एंजल, आई डोंट नो, यस ये था आपका एंजल। ये तो छोटा यार, यहाँ तक तो पहुंचती नहीं, अगर मैं बैठ के भी देखती तो दिमाग लगाना पड़ता है। इसको भी अपने पिटारे में रख दीजिए। और नेक्स्ट वो निकालिए, अनबॉक्सिंग बाद में करिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट ऑडियंस को दिखाइए। स्टेशनरी, माय स्टेशनरी। सो वेयर इज माय स्टेशनरी? दिस
ये स्टेशनरी है, ये बुक्स है, स्टेशनरी स्टेशनरी, डोंट गो देयर। स्टेशनरी मतलब पेन कलर? यस, वो वाली स्टेशनरी। देखते हैं रश्मि शर्मा को कुछ मिलता है नहीं मिलता है। सो रश्मि शर्मा ने एक और बटरफ्लाई फाउंड आउट कर ली है। अनबॉक्सिंग बाद में करना, जल्दी जल्दी आप वीडियो को आगे करें। लग गया पता इसमें क्या है। इसको भी अपने पिटारे में रख लें और नेक्स्ट चिट निकालें। माय ऑडियंस को दिखाइए माय ज्वेल केस। ये तो मैंने अभी खोला था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ओके सो माय ज्वेल केस, ये तो इसको पता ही है बट इसको दिखा कुछ नहीं। केला यहाँ रख के नेक्स्ट आइए, अनबॉक्सिंग लास्ट में करिएगा। नेक्स्ट चिट निकालिए और ऑडियंस को भी दिखाइए। बिग बैकस। सो बिग बैकस कुछ भी गिराइएगा मत। ओके रश्मि शर्मा को बहुत इजीली मिल रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास था नहीं उतना दिमाग। पहले पहेलियां बनाने वाली थी बट बनी नहीं, फिर डायरेक्टली रखती गई। और ये आ गया है नेक्स्ट गिफ्ट जिसमें इनकी खुद की शक्ल दिख रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब खाने का सामान है, मैंने तो डाइटिंग पे जाना है। ओ ओ बिग बैकस हिल रहा है, गिरने वाला है सब कुछ। ओके तो अब यहाँ पे लास्ट चिट बची है। यस तो उसमें क्या लिखा है ऑडियंस को दिखाइए। ऑडियंस को दिखाइए चौकोस। बहुत ही इजी इजी रश्मि शर्मा को सब कुछ मिल जा रहा है। और ये है रश्मि शर्मा का लास्ट गिफ्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चिट्स ख़त्म हो चुकी हैं और ये लास्ट गिफ्ट है। तो ये पिटारा रश्मि शर्मा का रश्मि शर्मा को मिल गया है। अनबॉक्सिंग आपको दिखा देंगे हम थोड़ी देर में। ये देखिए गाइज, बीमार लोग रील्स बनाते हुए पानी मांगा एक घंटे से। इन्होंने एक घंटे से पानी मांगा और इनको पानी नहीं मिला है। हेलो, पानी को नहीं दिया था आपने, इनको बताओ पुट्टू का गड़िया। ओ छिपकी, हाँ छिपकी है इसकी सबसे अच्छी दोस्त। तू बात देगा लाड़ी बन चुकी है, क्या मुझे प्रतिक्रम। तो गाइस यहाँ पे शुरू हो चुके हैं बलून्स फुलाना और जितने भी हैं मेरे पास सारे फुला देंगे। और मेरी हेल्प कर रहा है मिस्टर ने, मास्टर राघव। और एली कर रही है हेल्प, ये देखिए कितना सा बलून फुलाया एली ने। तो ये एली हेल्प कर रही है बलून फुलाने में और ये भी हेल्प कर रहा है बलून फुलाने में बस। और ये सारे यहाँ पे कॉपीराइट डलवाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मेन करेक्टर हैं यहाँ हमारी मदर इंडिया और ये रश्मि शर्मा बिजी बलून फुलाने। तो देखिए गाइस इस बच्चे की इतनी मेहनत के बाद ये कितने सारे फुग्गे फूल गए हैं। तो बहुत मज़ा आया। और एली ने भी ये मैंने दिखाया था आपको, एक बलून फुलाया था। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहा है ये बच्चा। और इतने सारे बलून हमने फुला दिए हैं और बर्थडे वाली लड़की खांस रही है, खांसते खांसते कहीं बलून ना फट जाएं, इसी डर से हम जल्दी बलून फुलाएंगे और जल्दी इनको रखेंगे। और ओ देखो पागल हो गए हैं और ये बलून के ऊपर गिरता हुआ। और यहाँ पे बस थोड़ी देर में हम ये सारे बलून लेके जाएंगे बर्थडे वाले रूम में। तो मिलती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे लगा दिए इतने बलून और जो बाकी के बलून है वो सारे के सारे बलून जैसे जमीन पे फेंक देंगे या थोड़े बहुत इधर टेबल पे रख देंगे। और तो इतना करेंगे और ये वाले बलून मैं नीचे फेंक दूंगी, ये ऑलरेडी लगा दी हैं थोड़े थोड़े से, यहाँ टेबल पे लगाऊंगी कॉर्नर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रश्मि, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है कि कैंडल ये वाली जलाई नहीं, तो इसी में मजा आता है। तो ये है यहाँ पे आज कैंडल जलाने वाले। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
लजीज क्या चिप्स सारे मरीज को हमने बिठा रखा है हॉट सीट पे बिल्कुल खिला दो भाई और देखो कहाँ घुस के आ गए भगवान सो गए भगवान जी को भगवान केक खाएंगे अंडा होता है केक में अच्छा इसमें अंडा होगा ना तो यहाँ पे अगेन खप डल गई है एली को खिला ना थोड़ा सा रश्मि शर्मा और गरम पानी ओके तो यहाँ पे फिर से चीं चीं चूं चूं हो गई है तो अब ध्यान से यहाँ पे हम चुप रहेंगे दो मिनट में मच्छी बजा लेंगे और यहाँ पे केक खिलाते खिलाते टॉन्ट मारा जा रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू ये टॉन्ट था एली को भी दे दो यार कब से देख रही है वो बेचारी देख हाँ। पीछे से बैठ के देख रही है दोनों के बीच में है? ना 19 वो 19 बोलने लगी थी और 38 साल की हो गई ले चट ओए अच्छा छोटी है एली हर किसी के साथ बैठ रही है कि थोड़ा थोड़ा सब खिला दे भोग लगा दे थोड़ा थोड़ा भाई ऐसा ना गिफ्ट लेके जाऊं देखना सब मेरे गिफ्ट चुरा रहे हैं गाइस गाइस सब गिफ्ट मेरे चुरा के लेके जा रहे हैं गाइस मेरा गिफ्ट चोरी कर गाइस याद है ना ट्रेजर हंट वाले गिफ्ट से ही है ओके तो गाइस आप देख सकते हैं ये वही चेहरा है जो मेरे जन्मदिन पे भी था ये वही पुराना घिसा पिटा चेहरा है यस गाइस देखिए नेक्स्ट ये स्पेशल दिल्ली से आए हैं बर्थडे मनाने के लिए नहीं हो गया ऐसे कर दूंगा हां ऐसे झूठ का कदर कर दे ना पता तो लगे कुछ कर रहे हैं ये कमेंट्री करने यहां बैठे हैं देखिए गौर से देखिए इस चेहरे को कमेंट्री करने बैठे हैं नेक्स्ट हूँ मैं तो अब कैमरा किसी अच्छे के पास देना पड़ेगा बाद में मत बोलना अब तो हो गया अब तो हो गया अब तो हो गया हेलो एवरीवन तो आपने जो ट्रेजर हंट देखा था जिसमें मैंने अपने सारे गिफ्ट्स ढूंढ लिए थे तो अब आपको भी थोड़ी एक्साइटमेंट होगी कि उन गिफ्ट्स में क्या था तो अब मैं एक एक करके आपको सारे गिफ्ट्स दिखाऊंगी तो सबसे पहला गिफ्ट जो है वो है ये बनाना केस या बनाना होल्डर कुछ भी बोलो इसमें मैं बनाना डाल के या कोई भी फ्रूट डाल के स्कूल ले जा सकती हूँ सो दिस इज़ अ वेरी थॉटफुल गिफ्ट आप स्कूल में एप्पल भी लेके जाती हूँ तो उसको खाने के लिए टूथपिक की जरूरत पड़ेगी तो ये सेकेंड गिफ्ट है टूथपिक ये थर्ड गिफ्ट है अमूल की चोको मिनीज वैसे तो मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी थी बट अभी ये मुझे गिफ्ट मिल गया है तो मैं कुछ महीना लगा के इसको खा लूंगी उससे नेक्स्ट गिफ्ट है ये कैडबरी सेलिब्रेशंस का रिच ड्राई फ्रूट कलेक्शन अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट है या चॉकलेट है मुझे खोल के देखना पड़ेगा बोथ बोथ ओके बोथ अच्छा अब नेक्स्ट गिफ्ट है ये कॉफी मग जो कि मुझे बहुत पसंद आया इस पे लिखा है वेलकम होम और इन सारे गिफ्ट्स की आज की हाईलाइट है ये गिफ्ट ये मेरी बहन ने मुझे वॉच गिफ्ट की है और मैं बहुत खुश हूँ अभी मैंने इसमें सारी सेटिंग्स करनी है उसके बाद मैं आपको फिर कभी बताऊंगी इसकी अपडेट आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय बाय